जेई मेन 2020 8 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के पेपर में एक क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर इंटीरियर आंसर है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट सी इन वन प्लेन इज, क्या रिएक्शन का सीक्वेंस है? एक कोई कंपाउंड है ए जिसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास किया तो बी प्रोडक्ट बना, बी को सी एस थ्री सी एल के वन इक्विवेलेंट से एनहाइड्रो सी एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में किया तो सी बना। इसमें ए के लिए एक बात और लिख रखी है कि ए इज द स्मॉलेस्ट अल्काइन, स्मॉलेस्ट अल्काइन, तो जाहिर है ए क्या होगा, ए होगा एसिटिलीन, ठीक है ना। तो रिएक्शन देख लो, अगर इन्होंने ए को एसिटिलीन बोला है, ठीक है, तो रेड हॉट कॉपर से अगर हम इसको पास करें तो ये ऐसे होता है, देखो CH, तीन मॉलिक्यूल हम एसिटिलीन का यूज करते हैं और बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो एक बॉन्ड इधर गया, एक बॉन्ड इधर आया, एक बॉन्ड इधर आया, इस तरह से बेंजीन बन जाती है। तो ये बन गया बेंजीन, क्या डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये दिस इज प्रोडक्ट बी, ए इन्होंने पहले से हिंट दे रखा है कि स्मॉलेस्ट अल्काइन है। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन उन्होंने करवाई सी एस थ्री सी एल के वन इक्विवेलेंट से ए एल सी एल थ्री एनहाइड्रस की प्रेजेंस में, राइट। तो एक सी एस थ्री इसमें जुड़ जाएगा, ये टोलुइन बन जाएगा, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, देखो ये है बेंजीन, बेंजीन के सारे कार्बन एक प्लेन में होते हैं और इन पांच कार्बनों पर लगे हुए हैं पांच हाइड्रोजन्स, ये भी उसी प्लेन में होते हैं। यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है जिस पर मिथाइल ग्रुप है, मतलब ये जो कार्बन है एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, तो इस पर दो हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन होंगे तो एक हाइड्रोजन प्लेन में चला जाएगा, ये देख रहे हो क्या। बताओ कुल कितने एटम्स हैं जो इस कंपाउंड में, कुल कितने एटम्स हैं जो एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं, सिक्स कार्बन्स एंड फाइव हाइड्रोजन्स ऑन द रिंग, ये 11 हो गए, और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, 13, केवल दो हाइड्रोजन है जो आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो टोटल 13 एटम्स हैं जो एक ही प्लेन में रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 13, 13, ठीक है, नोट करें।